हैं और अब बात करते हैं जेएनयू की, जहां पर पीएचडी की छात्रा ने अपने साथी छात्र पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित छात्रा ने वसंतकुंज थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। पीड़ित छात्रा के मुताबिक आरोपी छात्र ने उसे ब्रह्मपुत्र हॉस्टल में फिल्म देखने के बहाने बुलाया और कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिलाकर उसके साथ रेप किया, साथ ही उसे धमकी भी दी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज करके आरोपी छात्र की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र आयसा का कार्यकर्ता है। सीधे रुख करते हैं जेएनयू का, जहां से नरेश बिस्वानी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, इस मामले में पुलिस क्या कह रही है और जो छात्रा आरोप लगा रही है, काफी गंभीर आरोप है, कह रही है कि ब्रह्मपुत्र हॉस्टल के नजदीक बुलाया गया इस छात्र की ओर से, क्या वहां पर और छात्र मौजूद नहीं थे? सिक्योरिटी भी जेएनयू की काफी अच्छी है। देखिए, आपको बता दूं कि लड़की का जो आरोप है वो ये है कि उसने जून के महीने में फेसबुक पर एक बात लिखी थी और ये लिखा था कि उसको एक मूवी की डीवीडी चाहिए। जब उसने वो डीवीडी किसी लोग काफी लोगों से मांगी तो उसके बाद एक शख्स ने उससे संपर्क किया और उसको कहा कि ब्रह्मपुत्र हॉस्टल में उसका कमरा है, वहां पर वो आकर के डीवीडी ले जाए। जब वो लड़की वहां पर पहुंची तो उसको कोल्ड ड्रिंक ऑफर की गई, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कुछ नशीला पदार्थ था। जब उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई तो वो बेहोश हो गई और जब कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वो बेहोश हो गई तो उसके साथ रेप जैसी इस वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद लड़की ये भी कहती है कि उसे धमकाया गया। जब उसे धमकाया गया और काफी दिनों के बाद लड़की ने सोचा तो उसने जाकर के मामला दर्ज कराया है। कल सुबह के वक्त मामला दर्ज हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ जेएनयू एसयू से सौरभ मौजूद है। सौरभ, ये बताएं कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, क्या छवि रह गई है अब जेएनयू की? देखिए, सबसे पहले एज अ ज्वाइंट सेक्रेटरी जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन की तरफ से मैं इस पूरी घटना को कड़ी शब्दों से निंदा करता हूं। और अगर हम देखें तो इस कैंपस को कौन बदनाम कर रहा है, ये सबको पूरी दुनिया को पता चल गया है। ये वही लोग हैं जो 9 फरवरी को हमारे भारत के अस्मिता पर सवाल उठाए हैं, आज भारत की बेटी और हमारे जो महिलाएं हैं उसके अस्मिता पर सवाल उठा रहे हैं। ये बेखौफ आजादी की बात करते हैं, ये पिछड़ा तोड़ की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ये इनका एक ढोंग रहता है, ये उसके पीछे लड़कियों को इस कैंपस में यूज करते हैं, उनको माइंड वॉश करते हैं और उनके रेप के लिए वो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें इस पूरे, तो इस कैंपस में जो एक प्रशासन है, क्योंकि एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वामपंथियों का उस प्रशासन में है जेएनयू के, तो ये लोग आगे आते हैं, इनके प्रोफेसर आगे होते हैं, इनके प्रोफेसर माइंड वॉश करते हैं और इनके प्रोफेसर को चलिए, यानी कि नरेश, वहां पर सभी छात्र एक सुर में इसकी निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब पुलिस आगे की कार्रवाई किस तरह से करती है। एक छोटे से